तुम अपनी मनमानियां नहीं कर सकते जाहिर। जिस तरह तुम मुझसे मेरी बेटी अपनी बहन से सवाल कर सकते हो ना, अपने घर की औरतों के किरदार पे उंगली उठा सकते हो, बिल्कुल उसी तरह तुम भी अपने किरदार के जवाब दे हो। आप मुझसे यूं बात नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है आपका मुझसे। है हक, दिया है हक, मुझे मेरे अल्लाह ने हक दिया है तुम पर। तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद यह हकीकत नहीं बदल सकती कि मैं तुम्हारी माँ हूं। जनाए मैंने तुम्हें, दुनिया में तुम लाख धुतकार दो मुझे, लेकिन कयामत के दिन तुम मेरे ही नाम से पुकारे जाओगे। क्या उस दिन भी अपना मुंह फेर सकोगे? ठीक है, मत दो मुझे जवाब। जितने तुम जिद्दी हो, मैं भी तुम्हारी ही मां। जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता, जब तक वो मनहूस औरत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देती, मैं वहां जाती रहूंगी। और अगर उसने भी मुझे जवाब ना दिया ना, तो वहां के रहने वालों से चिल्ला चिल्ला के ये पूछूंगी कि बताओ मुझे, रात के अंधेरे में मेरा बेटा वहां क्यों जाता है? किस हक से बुलाया जाता है उसे वहां? जवाब चाहिए आपको? चलिए मेरे साथ। अलिया बीबी, आपने मुझे माजीन बाजी के घर पे क्यों बुलाया था और यहाँ क्यों लेकर आई है? मुझे एक बात बता, है तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों, क्या किया मैंने? यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम कर क्यों नहीं रहे हो कुछ नायला के लिए? तुम्हें पता भी है जाहिद ने नायला का रिश्ता तय कर दिया। क्या, कब? मैं वहाँ दो दिन नहीं गया और इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? तो तुम्हें क्या लगता है जाहिद तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? हाँ, वैसे शकूर मुझे एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो? किस चीज का इंतजार है तुम्हें? क्या तुम चाहते हो कोई और आके नायला को ब्याह कर ले जाए? क्या तुम जी लोगे उसके बगैर? हाँ, अरे बोलो। पता नहीं, पता नहीं?